तो भाई सुपर हीरो की मूवी देखना किसे पसंद नहीं। कॉमिक्स के पन्नों से निकलकर जब ये हीरोज फिल्मों के पर्दे पर एक्शन करने लगते हैं तब उसे देखने का मजा ही कुछ और होता है। विलन्स को मार खाते हुए देखना सबको पसंद है, लेकिन जब हीरोज आपस में लड़ने लगते हैं तब ये एक्साइटमेंट दोगुना हो जाता है। रीजन चाहे कुछ भी हो, अपने फेवरेट हीरो को हारते हुए देखना कोई भी नहीं चाहता। ऐसे ही एक थीम पर बनी मूवी 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका आमने सामने खड़े थे और इस मूवी का नाम था सिविल वॉर। आज की वीडियो में इसी मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, मूवी की स्टोरी कुछ हद तक 2007 में पब्लिश हुई कॉमिक बुक सीरीज सिविल वॉर से मेल खाती है, जिसको मार्क मिलर ने लिखा था। यहाँ पे कॉमिक्स का प्लॉट मोस्टली यूएसए पर बेस्ड है, यानी यूएस गवर्नमेंट को सेंटर में रखा गया है, लेकिन मूवी की स्टोरी सोकोविया अकॉर्ड को लेकर बनाई गई है, जहाँ कई कंट्रीज के ऑफिशियल शामिल है, यानी इसमें इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है। फैक्ट नंबर टू, सिविल वॉर की प्लानिंग मार्वल ने 2014 में ही कर ली थी, लेकिन तब वो लोग इसके फाइनल कास्ट को लेकर श्योर नहीं थे, क्योंकि मूवी की स्टोरी मेनली आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के ऊपर बेस्ड है, तो पहले ये कंफर्म करना जरूरी था कि आरडीजे इस रोल के लिए हाँ कहेंगे या नहीं। अगर आरडीजे इस मूवी में रिटर्न नहीं करते तो वो लोग मैट बॉम्ब स्टोरी लाइन को फॉलो करते, जो कि बेसिकली कैप और फेल्कन के ऊपर बेस्ड है। मैट बॉम्ब एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड वेव्स के जरिए ट्रेवल करता है और इंसानों के ब्रेन के ऊपर अटैक करता है। इसके अफेक्ट में आने वाला इंसान साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो जाता है और फिर दूसरे इंसानों के ऊपर अटैक करने लगता है। फैक्ट नंबर थ्री, मार्वल ने मूवी के डायरेक्टर एंटोनी एंड जोसेफ रूसो को कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर रिलीज होने से पहले ही साइन कर लिया था, लेकिन तब भी कई सारे लोगों को इनके काबिलियत पर शक था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कॉमेडी कंटेंट से जुड़ा हुआ है, जबकि सिविल वॉर एक बहुत ही सीरियस मूवी होने वाली थी। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद सबको पता चला कि रूसो ब्रदर्स ने कितने अच्छे तरीके से सिचुएशनल कॉमेडी को एक ह्यूमर की तरह मूवी में यूज किया है। इंस्पिरेशन के लिए रूसो ब्रदर्स ने सेवन, फार्गो, द गॉडफादर जैसी मल्टी स्टारर मूवीज देखी थी, जो कि क्राइम थ्रिलर पर बेस्ड है। फैक्ट नंबर फोर, एमसीयू की शायद ये पहली मूवी होगी जहां पे मेन विलेन के पास कोई सुपर पावर नहीं था। जेमो के रोल में जर्मन एक्टर डेनियल ब्रुहल ने सही में कमाल की एक्टिंग की थी, और इनको मेनली सिलेक्ट भी इसलिए किया गया था क्योंकि वो जर्मन बहुत अच्छा बोल लेते हैं। मूवी में सोकोविया एक ऐसी कंट्री है जो ईस्टर्न यूरोप में स्थित है, और इसलिए वो इस रोल के लिए फिजिकली एकदम परफेक्ट है। हालांकि सिविल वॉर से पहले उन्होंने इनग्लोरियस बास्टर्ड, ए मोस्ट वांटेड मैन, रश जैसी मूवीज में काम किया है, जिसमें उनके एक्टिंग स्किल्स को काफी सराहा गया था। फैक्ट नंबर फाइव, स्पाइडरमैन का मूवी में होना एक सरप्राइज एलिमेंट था, लेकिन वो किस टीम को रिप्रेजेंट करेगा यह पहले डिसाइड नहीं हो पा रहा था। इसके लिए टॉम हॉलैंड का एक स्क्रीन टेस्ट लिया गया, जिसमें आरडीजे और क्रिस एवांस इन्वॉल्व थे। स्क्रीन टेस्ट के दौरान ये नोटिस किया गया था कि किसके साथ स्पाइडरमैन की केमिस्ट्री ज्यादा सुइटेबल लगती है। आखिर में आयरन मैन यानी आरडीजे के साथ टॉम हॉलैंड की केमिस्ट्री सबको अच्छी लगी, इसलिए स्पाइडरमैन को टीम आयरन मैन के साथ रखा गया। फैक्ट नंबर सिक्स, स्पाइडरमैन को मार्वल में लाने के लिए केविन फेगी को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सोनी इसके राइट्स पहले देने को तैयार नहीं था। बाद में जब केविन फेगी ने कहा कि स्पाइडरमैन की मूवीज में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका सिर्फ 5% मार्वल रखेगा, तब जाकर सोनी रेडी हुआ। इसके अलावा मार्वल ने प्रॉमिस किया कि वो लोग स्पाइडरमैन को एक ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि सोनी इन फ्यूचर स्पाइडरमैन के जरिए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। फैक्ट नंबर सेवन, मूवी में जब कैप पहली बार बकी से मिलता है तब वो बुकारेस्ट नाम की जगह पर था, जो कि रोमानिया में स्थित है। इस सीन में बकी एक शॉपकीपर के साथ रोमानियन लैंग्वेज में बात कर रहा होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि सेबेस्टियन स्टैन ओरिजिनली रोमानिया से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म यहीं पे हुआ था, लेकिन बाद में उनकी फैमिली यूएस में शिफ्ट हो गई, और जब ये बात डायरेक्टर्स को पता चली तब उन लोगों ने मूवी की शूटिंग रोमानिया में करने का डिसीजन लिया। फैक्ट नंबर एट, मूवी के ओपनिंग फाइट सीक्वेंस में फेल्कन एक ड्रोन के जरिए नताशा की जान बचाता है, और यहाँ पे ड्रोन का नाम रेड विंग बताया जाता है, लेकिन कॉमिक्स में रेड विंग एक चिड़िया का नाम है जिसको सैम ने ब्राजील से खरीदा था। सैम टेलीपैथी के जरिए रेड विंग को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, और इस तरह से कई बार रेड विंग ने सैम की जान भी बचाई है। फैक्ट नंबर नाइन, सिविल वॉर का ये सीन काफी पॉपुलर हुआ था, जहां कैप एक हाथ से हेलीकॉप्टर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शूटिंग के वक्त सीन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में क्रिस इवेंस को मसल पेन हो गया था। सीन में उनके बाइसेप्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, और इसके लिए क्रिस ने भी अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन आयरन के उस पोल को खींचते वक्त इंटेंस प्रेशर की वजह से उनके बाइसेप्स में इंजुरी हो गई थी, जो कि काफी दिनों तक रहा था। फैक्ट नंबर टेन,
गौर करने वाली बात यह है कि इस मूवी के लिए आरडीजे को $40 मिलियन पे किए गए थे, जबकि सिविल वॉर कैप्टन अमेरिका की मूवी थी और क्रिस इवेंस को सिर्फ $15 मिलियन मिले थे इस मूवी में काम करने के लिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में यह भी तय हुआ था कि अगर मूवी विंटर सोल्जर से ज्यादा कमाती है तब भी प्रॉफिट में से एक हिस्सा आरडीजे को दिया जाएगा। इससे पता लगता है कि क्यों आरडीजे को मार्वल का फेस कहा जाता है। रिलीज के बाद मूवी ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए $1.1 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और इसी के साथ ये 2016 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन सिविल वॉर पहली ऐसी मूवी थी जिसमें IMAX डिजिटल 2D कैमरा का यूज हुआ था। सिर्फ एयरपोर्ट बैटल सीन के लिए स्टूडियो ने 20 डिफरेंट विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज को हायर किया था। इसके अलावा सिविल वॉर में रेड हल्क और निक फ्यूरी भी अपेयर होने वाले थे लेकिन लास्ट टाइम पे इसको कैंसिल कर दिया गया। क्रिटिकली एंड कॉमर्शियली सक्सेसफुल इस मूवी के बारे में तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में किसी और मूवी के बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।